तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 852 × 412 क्वेश्चन मार्क, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 852 × 412, ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। देखिए 852 × 412, अब इसे आप सॉल्व करने का क्या तरकीब लगाइए। देखिए हम आपको बताया था दो है यानी चार, ठीक है, हो गया दोस्तों। फिर ये है दो, तो एक बार में दो कर दिए, ठीक, फिर यहाँ पर जीरो, ठीक है, फिर वन, ठीक, फिर यहाँ पर फाइव, और ये 832 × 33, ठीक। ये आप सॉल्व करके देखिए, बहुत ईजी है दोस्तों, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ये हो गया, इसका आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यहाँ 3131 3131 0 3131 × 1/3, इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए 3131 3131 0 3131 × 1/31, तो बस एक ही बार में है, तो दोस्तों देख सकते हैं एक बार में एक ही खत्म हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इसको एक बार में काट रहे हैं, तो पूरे एक बार में कट रहा है, तो देखिए यहाँ पर कैसे आएगा दोस्तों आपका आंसर, 1010, ठीक है, 101, एक बार में एक दो तीन ऐसे कट रहा है दोस्तों। वन देखिए 31, फिर जीरो, फिर 31, फिर जीरो, फिर 31, जीरो, ऐसे करके आपका आंसर आ गया दोस्तों। देख सकते हैं बहुत ही इजी और बेहतरीन तरीके से आंसर आ गया थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 170 × 590 का क्वेश्चन मार्क क्या होगा, इसे सॉल्व करते हैं। 170 × 590, ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करने के लिए देखिए, अगर मैं ऐसे डायरेक्ट करता हूँ दोस्तों 5 9 1 7 0, तो आप ऐसे देख सकते हैं, यूं यूं कर सकते हैं, 0 9 7 63 63 6, ये 7 5 35 36 37 38 40 41, यानी 41, ठीक है। अब ये 0, फिर 9, और ये 5 हो गया आपका, ठीक है दोस्तों, तो 095 हो गया। आप यहाँ पर 003, ठीक है, और ये 10, और ये 5 4 9 1 10, ठीक है दोस्तों, आपका ये आ गया, यानी आपका आ गया आंसर 10 300, ठीक, ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर आ गया 10 0 300 आंसर, ये होगा दोस्तों फोर्थ वाला, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन जीरो टू वन गुने 209 का क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों। तो ये देखिए 9021 को अगर 209 से गुना करते हैं तो क्या होता है, तो देखिए चलिए हम फिर से कर देते हैं, 901 को 209 से, 918, ठीक है दोस्तों, 81, ठीक, फिर ये जीरो का कोई मोल नहीं है, फिर यहाँ पर हो गया एक, ये दो, फिर चार, जीरो और 18, ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं। तो 9 8 3 5 8 1 8 1, ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर आ गया 8 8 8 5 3 8 9, ठीक है दोस्तों, इसमें से आपका कोई नहीं आंसर होगा, ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन सवाल है दोस्तों, देखिए फिर से न्यू क्वेश्चन आया है, कहता है कि 0.003 × 0.003 = 0.000027 है क्वेश्चन, ऐसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही बेहतरीन है हमेशा एकदम। देखिए ये एक तरफ अलग है, तो पहले हम इसे लिख देते हैं 0.00003250, ठीक है दोस्तों, तो और 27, ठीक। उसके बाद हमें क्या करना है, ये नीचे वाला को लिखना है 0.003, ठीक है दोस्तों, फिर 0.003, ठीक। अब काटिएगा ये वाला, 3 9 27, यहाँ 3 3 3, यानी 3 आंसर आएगा दोस्तों आपका,